हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनुबोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि आपके बीच ये मैं आठवें क्लास का चौथा चैप्टर लेकर आया हूं, घातांक और घात। जी हाँ दोस्तों, आठवें क्लास का बोर्ड अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप लोग मन से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें और दोस्तों फ्री फायर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि कुछ बच्चे फ्री फायर खेलने के चक्कर में अपनी पढ़ाई को भूल जा रहे हैं और अपने जो उसका उद्देश्य क्या है वो भी भूल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ और अपना जो भी है मेरे अंदर अपना ज्ञान वो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो तक और देखें घातांक और घात चैप्टर में जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मैं लेकर के आया हूँ, जो कि 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये सब परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं घातांक और घात में पहला सवाल क्या है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले थोड़ा मैं घातांक और घात के बारे में आपको बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ले चलते हैं हम सफ़ेद पेज पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो हम अभी मैं लिख रहा हूं घातांक और घात, तो इसके बारे में थोड़ा मैं पहले मैं समझा देता हूं। तो दोस्तों, जैसे सबसे पहले मैं लिखूँगा, जैसे एक कोई नंबर है दोस्तों और ए का पावर मान लीजिए 1 है, तो हम इसको ए को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ए के पावर मान लीजिए 3 है, तो हम ए को 3 बार लिखेंगे इनटू के रूप में, मींस गुना के रूप में, ठीक है। आपका ए हो गया 3 बार, है ना दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम ए के पावर मान लीजिए एम है यहाँ पे, तो हम ए को एम बार लिखेंगे। अब एम जो भी मेरा होगा उतना बार हम लिखेंगे, एम बार लिखेंगे। यानी एम मान लीजिए 20 है, तो हमारा ए को 20 बार लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों, अगर ए का पावर मान लीजिए एन है, तो हम ए को एन बार लिखेंगे। कहने का ये मतलब हुआ कि पावर जितना रहेगा उस संख्या को उतना बार हम गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो साथियों, ये हुआ हम किसी का ये जो नंबर है इसको बेस कहते हैं, और ये जो ऊपर में लिखे हम लोग एम, ये हमारा पावर कहलाता है यानी घातांक कहलाता है। तो दोस्तों, हमारा ये जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर आगे इसका कुछ नियम है जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसी का उल्टा यदि मैं इस तरह से लिखा रहेगा कहीं पर, अगर ए लिखा रहेगा गुना ए लिखा रहेगा, गुने में ए लिखा रहेगा गुने में ए लिखा रहेगा, और अगर यहाँ बोलेगा कि इसको कितना पावर लिखा जाए, तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 ए है तो 1 पावर 4 लिख देंगे दोस्तों। यानी कि ए को अगर ए गुना के रूप में रहेगा लिखा हुआ, मल्टीप्लाई के रूप में लिखा रहेगा, और जितना बार रहेगा वो उसका उतना पावर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ए का पावर ए गुना ए मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 बार है, तो हम ए का पावर 3 लिखेंगे, याद रखिएगा, है ना। अब हम देखते हैं इसका कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या आपका ए पावर एम है और कोई दूसरा संख्या ए पावर एन है, और इसको क्या करना, पावर को जोड़ना है। कब जुटेगा, जब ये गुना रहेगा और बेस मेरा सेम रहेगा, तो पावर को एम और एन को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो एम प्लस एन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रख सकते हैं, और ऐसी भी बुक में दिया हुआ आपका मैथ में, तो वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप वहीं पे हम ले चलते हैं आपको सवाल की, और वहीं पे आपको समझाएंगे, क्वेश्चन के अनुसार आपको समझाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको हर सवाल समझ में आ जाए और आपको हर सवाल आसान लगने लगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम इस पेज पर जहाँ पे सवाल है मेरा। तो यहाँ पे सवाल हम देख पा रहे हैं, 7 पावर -5 लिखा हुआ है, उसमें -5 क्या कहलाता है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि ये जो मेरा है बेस, ये कहलाता है बेस, और ये कहलाता है घातांक। जो ऊपर पावर में रहता है वो घातांक होता है, इंग्लिश में पावर, हिंदी में घातांक। तो यहाँ पे घातांक हम सबसे पहला ही नंबर में है घातांक, तो पहला नंबर का सही जवाब हो जाएगा घातांक। क्या होगा दोस्तों, घातांक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसके बाद का क्या है। दोस्तों, एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिएगा,
तो आपके अंदर जो भी मैथ का डर है अथवा मैथ में जो भी कमजोरी आपको लगती है वो कमजोरी मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं बताता हूँ ट्रिक के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं सारे सवालों को समझाता हूँ और बना के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपका हर सवाल आसान हो जाए। तो साथियों अगला सवाल हम देख पा रहे हैं, 5 पावर 3 का सही मान क्या होगा। तो अभी हम आपको क्या बताए थे, 5 पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार लिखेंगे गुना के रूप में। तो आइए दोस्तों हम लिख के दिखाता हूँ मैं, 5 × 5 × 5 3 बार लिखेंगे। अब ये 3 बार लिखने का मतलब क्या हुआ, तीनों को गुना करना है। तो 5 × 5 = 25 और 25 को 5 बार पढ़ेंगे। अगर आपको 25 का पहाड़ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि 25 का जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आंसर मेरा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं दोस्तों, 5 पावर -3 का सही मान क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में रहे उसको क्या करते हैं, आइए हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या आपका ए है और माइनस में पावर 1 यदि यहाँ पे दिया रहेगा दोस्तों, तो ए का जो रेसिप्रोकल होता है यानी 1/a लिखेंगे, और जो भी यहाँ पे पावर रहता है 1 वही यहाँ पे पावर रहेगा। पावर में कमी बेसी नहीं करना है दोस्तों, हमेशा वही पावर रहेगा जो आपके यहाँ पे लिखा रहता है। अगर यहाँ पे पावर अगर 4 रहता तो यहाँ भी 4 ही रहता, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पावर माइनस में हो तभी हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर पावर प्लस में हो तो उसको ऐसा ना लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 पावर 3 का मान कितना था, 125, तो यहाँ पे है 5 और -3, तो यहाँ भी होगा 1/1 पहले लिखेंगे, और 5 पावर 3 जो यहाँ पे हमारा कितना था 125 था, वही यहाँ पे लिखा है 125, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों लिखा हुआ है a = -1 और b = 2 है, तो a/b × b/a का मान क्या होगा। आइए दोस्तों इसको हम सफ़ेद पेज पर बना के आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं सफ़ेद पेज की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में लिख चुका हूँ a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू 2 है, तो a/b और b/a का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो जहाँ a है वहाँ लिखेंगे हम लोग -1, लिख चुके हैं -1, और पावर b है तो b का वैल्यू लिखेंगे 2, और फिर गुना का चिन्ह देना है, अब b का वैल्यू लिखेंगे 2, अब पावर a तो a का वैल्यू -1, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इंटू का चिन्ह देना है गुना का चिन्ह, 2 का पावर -1 आ गया दोस्तों। अभी हम आपको बताए थे कि -1 पावर जब आ जाएगा तो उसको पहले 1 करते हैं, और जो 2 है उसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1/2 हो जाएगा और पावर 1 ही रहेगा। तो 1 × यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 1 × 1/2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 कहाँ पे है, आइए हम सवाल में ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे 1/2 आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में है मेरा 1/2। तो दोस्तों a/b × b/a का मान हमारा हो गया 1/2। तो दोस्तों कितना आसान हो जाता है यदि आप ये इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आपको हर सवाल आसान हो जाएगा और आपको मैथ से जो भी डर है वो हमेशा के लिए भाग जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 100 पावर 0 दे दिया दोस्तों, अभी 0 पावर वाला आ गया दोस्तों, इसका क्या मान होगा। तो साथियों मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कोई संख्या आपका a है और उसका पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब कैसे हो जाता है इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों ये पावर 0 कैसे होता है आपको हम समझाते हैं सफ़ेद पेज पर। तो साथियों यहाँ पे हम लिखते a, जैसे मैंने लिखा a/0 और इसको लाना है 1। अब ये कैसे होता है दोस्तों, आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर a है और उसको हम a से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, आपका आएगा 1 आता है, पक्का आता है 1। a को a से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, क्योंकि a मतलब कोई संख्या है, मान लीजिए 6 है a यानी कि 6, तो 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 ही ना आएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, इसका भी पावर 1 होता है। तो साथियों हम जानते हैं कि अगर बटे में रहता है तो उससे पावर घट जाता है दोस्तों, तो 1 में से 1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 - 1 तो आपका यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ दायां तरफ का है और यहाँ आपका हो गया a/0, क्योंकि अभी हम आपको क्या बताएं कि भाग रहने से पावर घट जाता है, a/0 = हो गया आपका 1। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से a/0 = 1 हो गया, तो इस तरह से आपका याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो अगर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन दोस्तों वो संख्या
होना चाहिए रियल नंबर। आगे बढ़ते हैं पेज। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वन, देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर में है। और आगे देखते हैं दोस्तों इसका जो हमारा देख पा रहे हैं 999 पावर 0, इसका भी वैल्यू वन ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब होगा। इस तरह का जितने भी सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जीरो पावर वाला, उसका वैल्यू वन हो जाएगा। आप बेधड़क वन लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, -7 पावर 3 है। तो 7 का पावर 3 जब करते हैं दोस्तों 343 आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर माइनस में ही आएगा। ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/3 पावर -3। देखिए दोस्तों जब भी पावर माइनस रहता है तो उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, इसको उल्टाएंगे, यानी कि इसको उल्टाएंगे तो 1 पहले जैसे तैसे रहेगा, और ये जो 3 मेरा था नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, अंश बना देंगे, तो पावर मेरा 3 हो जाएगा प्लस में। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई संख्या नीचे माइनस हो उसको ऊपर ले जाते हैं, यानी कि 1 की गुना में लिखेंगे तो वो मेरा प्लस हो जाता है। तो कितना होगा, 3/3 मेरा 27 हो जाता है, 27 को 1 से गुना करेंगे तो मेरा 27 ही होगा, और 27 मेरा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 1/3 पावर -4 दिया हुआ है, तो 1/3 दिया हुआ है इसको उल्टा देंगे, यानी कि 3 को ऊपर करेंगे, 1 को नीचे करेंगे, और जो पावर है मेरा -4 वो हो जाएगा +4, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, किसी भी संख्या का पावर माइनस रहने से उसको हम उलट देते हैं, यानी रेसिप्रोकल करते हैं, व्युत्क्रम उसका निकालते हैं। तो 1/3 को उल्टाएंगे 3/1 होगा, और पावर 4 ही रहेगा। तो 3/4 कितना हो जाएगा, 3 3 27 81 हो जाएगा दोस्तों। अब 81/1, तो 1/4 करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 81 कहाँ पे दोस्तों, आइए देखते हैं। 81 नंबर मेरा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में 81 दिया हुआ है दोस्तों आपका। यहाँ पे ये आपका दिया हुआ 81 ऑप्शन नंबर 3 में सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, जैसे देख पा रहे हैं हम x^m (x^n) = x^ क्या लिखा हुआ है। अभी हम आपको क्या बताए थे, गुना रहेगा और पावर, देखिए आपका ये बेस मेरा सेम है दोनों में, एक्स एक्स है बेस है और पावर एम और एन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एम प्लस एन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है आपका, डिवाइड होने पे क्या करते हैं पावर घट जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ है m^0। देखिए दोस्तों m^0, तो आपको मैं बता दूँ एम का पावर अगर 0 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1^m लिखा हुआ है, यानी कि आपका 1^m लिखा हुआ है, m का वैल्यू 0 दिया, 1^0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और b^m दिया, b^0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आपको हम क्या बताएं, 1^0 और डिवाइडेड मैंने भाग, और 1^0, तो 1 से 1 को भाग देंगे कितना, 1 ही होगा। 1 कहाँ पे देख दोस्तों, ऑप्शन आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका 1 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 2 में 1 दिया हुआ है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं दोस्तों। a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू 2 है, तो 1^b + b^a का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस में दिया हुआ है, वहाँ पे गुना, यही क्वेश्चन था वहाँ भी, लेकिन वहाँ पे गुना का चिन्ह था, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। अभी इसको हम आपको बनाते हैं सफ़ेद पेज पर, तो चलते हैं सफ़ेद पेज की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सफ़ेद पेज, और यहाँ पे लिख चुका हूँ 1 का वैल्यू -1, 2 का वैल्यू 2, तो 1^b + b^a लिखना है। तो 1 का वैल्यू -1 है, मतलब -1 लिखेंगे पहले हम, और यहाँ जैसे पावर b है तो b^2 बैठा देंगे, अब बीच में फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, अब b^2 दे देंगे, पावर -1 बैठा देंगे। तो दोस्तों अभी हम क्या बताए थे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2^1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 1 और 1/2 यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा दोस्तों। और स्क्रीनशॉट आप लेके खींच के रखिए। आपको हम ले चलते हैं वहाँ पे 3/2 कहाँ पे, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3/2 हम देख पा रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 3/2। देखिए ए का वैल्यू -1 था, बी का वैल्यू 2 था, 1^b + b^a का मान निकालना था, जो कि मेरा आ गया 3/2 ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 1^(-1), b^(2), और 1^b + b^a का मान क्या होगा, सेम टू सेम एकदम वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को लिख दिया है आपका पूर्णांक में, तो आपको डरना नहीं है, चीज़ वही है, 3/2 आया था, तो 3/2 को पूर्णांक में लिखेंगे, होगा 1 पूर्णांक
यानी 1/1/2 होगा, 1.5 इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 1.5 कैसे होगा, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका यहाँ पे 3/2 था, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 लिखेंगे, नीचे 1 आएगा आपका, तो ये जो 1 है मेरा ऐसे रहने देंगे और 1 जो मेरे रिमाइंडर आया शेष है उसको ऊपर में लिखेंगे, आंसर बना देंगे, और जो 2 आया उसको नीचे लिखेंगे। देखिए 1/1/2 मेरा आ चुका है, 1/1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 14। दोस्तों यहाँ पे देखिए 14 सम, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, तो ए का पावर भी, और यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह दिया, डिवाइड मीन्स भाग का चिन्ह दिया, बी पावर 1 कम मान क्या हो ये आपको पूछ रहा है, तो ये इसको हम सफ़ेद पेज पर बना के दिखाते हैं। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 है, तो इसका मान कितना होगा, ये सफ़ेद पेज पर बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने लिख चुका है, लिख चुका हूँ ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 हमें लिख चुका हूँ, और यहाँ पे ए का पावर बी डिवाइडेड बाय बी पावर ए है, तो आइए हम इसको बनाते हैं। ए का वैल्यू 1 बैठाएंगे पहले, और बी पावर 2 है तो पावर 2 बैठाएंगे और भाग का चिन्ह दे देंगे दोस्तों, और बी का वैल्यू 2 है पावर 1 बैठा देंगे दोस्तों, तो 1 है और यहाँ डिवाइड का चिन्ह है और ये 2 का 2 लिखाएगा, तो 1 डिवाइड को भाग कर सकते हैं 2/2, तो 1/2 कहाँ पे है ऑप्शन में देख लेते हैं, लेकिन आप आवाज़ स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आपको ऑप्शन में ले चलते हैं। तो दोस्तों देखते हो ऑप्शन में, तो दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा आया था 1/2 आया था, ठीक है, तो 1/2 कहाँ पे है दोस्तों, 1/2 यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 1/2 कहीं नहीं नज़र आ रहा है, तो ये गलत है ना, आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन गलत होगा या तो ऑप्शन गलत होगा, आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, 0.00085 का मानक रूप क्या होगा। देखिए मानक रूप कैसे होता है, आइए इसको हम समझाते हैं। देखिए मानक रूप आपका पॉइंट के बाद देखिए कितना है, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, तो यहाँ पे क्या है कि मानक रूप जब इसको लिखेंगे तो गुना में ये जो मेरा नंबर है 85, तो एक अंक के बाद रहने देते हैं, यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे, तो कितना पड़ता है 1, 2, 3, 4, 5 पड़ रहा है, तो 8.5 × 10⁻⁵ कहाँ पे होगा, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 3 में 8.5 × 10⁻⁵। अब ये कैसे होगा, आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पाँच अंक के बाद है, पहले 8.5 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे और 10 लिखेंगे, 10 लिखने के बाद क्या करते हैं, पाँच अंक है तो यहाँ पे पावर माइनस 5 दे देते हैं। पावर माइनस पढ़ने से क्या होता है कि ये जो मेरा पॉइंट है ये वापस इधर जाता है बाईं ओर, माइनस में बाईं ओर चलते हैं, प्लस रहने पे दाईं ओर चलेंगे, तो यहाँ पे 8 से यानी कि 0.5 है तो 0.8 से 8 को लेकर के चलना है बाईं ओर, पाँच अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो हम पहुँचेंगे वहीं पर जहाँ पे थे, इसलिए मेरा आंसर होगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, यहाँ भी है वही चीज़, यहाँ भी है मानक रूप में लिखना है, तो यहाँ पे हम 1.5 मान लीजिए 1 के बाद बैठाते हैं, यहाँ देखिए 1 के बाद मान लीजिए बैठा दिए यहाँ पे, ठीक है 1 के बाद बैठाते हैं, 1 से गिनेंगे 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, कितना है 2, 4, 6, 7 है, 7 होना चाहिए 1.5 × 10⁻⁷ जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 में है, देख लीजिए 1.5 × 10⁻⁷ यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁷ हो जाएगा मेरा, क्योंकि 7 माइनस में यहाँ पे कर देंगे तभी मेरा बाईं ओर जाएंगे, 7 अंक के बाद पॉइंट बिठाना है। अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है तो 1.5 अगर यहाँ आया तो यहाँ से 7 अंक के बाद देखिए मेरा पॉइंट बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 8 × −10³ का सामान्य रूप क्या होगा। देखिए दोस्तों माइनस में दिया है, माइनस में भी हम आपको क्या बताएं, बाईं ओर चलना है, 8 के बाद बाईं ओर चलना है, कितना 3 अंक के बाद, तो कहाँ पे है देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है 3 अंक के बाद, 1, 2, 3 अंक के बाद यहाँ पे दिया पॉइंट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा जब भी पावर माइनस में रहेगा तो बाईं ओर चलना है ना, और बाईं ओर चाह करके जितना अंक जैसे माइनस दिने तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, और यदि 2 रहेगा 2 अंक के बाद, जितना भी पावर रहेगा माइनस में उतना अंक के बाद बाईं ओर जाके पॉइंट बैठाना है। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखते हैं 0.000735 का मानक रूप क्या होगा। यहाँ भी वही है, तो हम लोग 7 के बाद पॉइंट बैठाएंगे और इधर गिनेंगे कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7.3 × 10⁻⁵। तो 10⁻⁵ कहाँ पे, 7.3 × 10⁻⁵ नंबर 1 में है दोस्तों, कितना आसान है ना, आपको आसान लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही सभी साथियों में शेयर कर दें। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
दो पावर जीरो, तीन पावर जीरो को सरल करने का प्राप्त क्या होगा? देखिए दोस्तों, अभी हम आपको क्या बताए थे, दो पावर जीरो वन हो गया, आप प्लस देंगे या तीन पावर जीरो वन हो जाएगा, तो वन और वन टू हो जाएगा, तो दो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर चार में है दो, तो कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बीस। क्वेश्चन नंबर बीस, ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, फोटो को ऊपर ले जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये फोटो ऊपर चला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, थ्री पावर जीरो, फोर पावर जीरो, फाइव पावर जीरो का सही मान क्या होगा? तो ये आपका हो गया वन, प्लस ये आपका फोर पावर जीरो वन, प्लस फाइव पावर जीरो वन, तो वन वन टू एंड थ्री, थ्री कहाँ पे? ऑप्शन नंबर एक में है, है ना आसान। 21 नंबर, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल 21 नंबर देखते हैं दोस्तों, थ्री पावर जीरो, फोर पावर जीरो, फाइव पावर जीरो इंटू में है, तो यहाँ पे होगा वन गुने वन गुने वन। बहुत बच्चा लोग क्या करता है ना, वन गुने वन गुने वन वन लिख देता है, मतलब थ्री लिख देता है, लेकिन यहाँ पे वन होगा, वन इंटू वन इंटू वन, यानी कि वन। तो वन कहाँ पे है आइए देख लेते हैं, तो वन यहाँ पे है मेरा, ऑप्शन नंबर एक में सही जवाब इसका होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और घातांक और घात चैप्टर को हमने खत्म कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर का कार्य करेंगे, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी, आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।